हाँ जी सारे स्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल किसान भरावो, तुहाडे लई आपां नवीं तो नवीं वीडियो लैके आउंदे रहिंदे आ क्योंकि सरकारां अज नौकरियां देण तो असमर्थ ने, नौकरियां नहीं मिल रही अपने नौजवानां नूं, किसान भरावां नूं सहायक धंधे करके अपने जीवन नूं सुखाला करना पवेगा। सो अज दी वीडियो तुहाडे लई खास होण वाली है। गिल स्टड फार्म अमृतसर साहिब दी धरती ते खड़ेंगे। अपने नाल इस समय मौजूद ने सुखपाल सिंह सरदार जी ते अपने नज़ीर कुरैशी भाई जी। इन्हां दे नाल आपां गल्लबात करनी आगी बकरी पालन बारे, भेड़ पालन बारे अते ट्रेनिंग बाबत, क्योंकि जिहड़े किसान भरा इस काम नूं करना चाहुंदे ने उहनां लई इह ट्रेनिंग है जिहड़ी ओह बड़ी जरूरी है। नज़ीर भाई जी स्वागत है तुहाडा साडे चैनल दे उत्ते फेसबुक पेज ते। पहले तो आपको कहूँगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। दूसरी बात, आप का जो चैनल है इल्तलाना, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों का रिपोर्ट भी अच्छा आ रहा है। वो लोग बोलते हैं माशाल्लाह बहुत जो सही है वो आप दिखाते हैं, और माशाल्लाह हमें भी इस बात की खुशी होती है कि जो सच है सच दिखाते हैं, जो गलत है तो गलत दिखाते हैं। आज तक किसी का अल्लाह का शुक्र है किसी का ऐसा फ़ोन नहीं आया कि इल्तलाने वालों ने ये गलत काम करा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा आपको, और माशाल्लाह आपको बधाई भी देनी चाहूँगा इसको, और लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है एक चीज़ की जो वो इंशाल्लाह आपको मैं अभी सुनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सुखपाल भाई, मेरे भाई जो हम साथ में ही काम करते हैं, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज कम से 400-500 बकरी है, और नया काम इन्होंने जमुना परी भेड़ का किया है जी, जिसमें माशाल्लाह ये समझ लिए कि जमुना परी भेड़, एक तो कजली भेड़ होती है, देखो उसमें कोई दो राय नहीं, कजली हो या जमुना परी हो तो लोगों को पता है कि 6 महीने में डबल कर देती है, लेकिन जमुना परी की कुछ मांग ज़्यादा डिमांड है। जैसे गुजरात में बहुत ज़्यादा डिमांड है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक तो इसका गोश्त बहुत अच्छा होता है, दूसरी बात वेट हाइट लेंथ बहुत जल्दी पकड़ती है। फिर वहाँ से मैं ये जमुना परी भेड़ लेकर आया माशाल्लाह भाई के लिए, 50 भेड़ लेकर आया हूँ जिसमें अभी ये सब आधान बच्ची है, 3 महीने की 4 महीने की। तो इंशाल्लाह जैसी ये बच्चे हमने डाली है, मैं सबको यही कहना चाहूँगा, देखो बकरी का काम माशाल्लाह सबको पता है साल में डबल होता है, अगर सही तरीके से खरीदोगे तो साल में डबल होएगा। फिर मैं वापस से कहना चाहूंगा भेड़ का काम जिसके पास जगह है, बकरी का काम कम जगह में होता है, भेड़ का काम को जगह लगती है जिसके पास जंगल है, खेती है। माशाल्लाह एक बार पैसा लगा दो, जैसे हमने बाग लगा दिया ना, आम का बाग, फिर अमरूद का बाग, चीकू का बाग, जैसे हर साल फसल लेते रहते हैं, ये इस तरीके से एक बाग है जी। एक बार हमने इंशाल्लाह इसको लगा दिया तो आपको 10-20 साल तक आपको देखने की जरूरत नहीं, इसी की नस्ल चलती रहती है, इसी का माल बेचते रहेंगे। आपने सुना होगा पहले गडरिये पाल भी बोल देते हैं, गडरिये बोल देते हैं, अपने इधर झटके बोल देते हैं, खटीक बोल देते हैं, वो लोग आज भी भेड़ रखते हैं, आज के नए फैशन की वजह से भेड़ रखते हैं, क्योंकि इसलिए रखते हैं वो पैसे वाले ही भेड़ के ऊपर बने हैं। जो आज उनके पास जो पैसा दौलत है, धनगर लोग हो गए जो हमारे यहाँ धनगर बोलते हैं महाराष्ट्र में, जितना पैसा उनके पास रहता है किसी के पास, आम आदमी के जमींदार के पास भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब कोई बस में चलता था हमारे बड़े बताते थे कि अगर उसको टिकट मांगा और उसने कोई बात कह दी तो कंडक्टर को ऐसे पूरा पगड़ी उतारी और उसमें नोटों का बंडल दिखा दिया। उस टाइम पे 5-4 लाख रुपए मायने रखते थे, अब से 30-40 साल पहले, तो उस टाइम ये 10-10, 20-20 लाख रुपए पगड़ी में रख लेते थे, यानी कि इसमें इतनी कमाई है। आज अगर हमने आज 15,000 की भेड़ ली, 20,000 की भेड़ ली तो ये समझ लो 6 महीने में डबल कर देती है जी। उसका बच्चा ही उतने का बिक जाता है क्योंकि इसको बहुत डिमांड है, और माशाल्लाह दूध बहुत ताकतवर है। और दूसरी बात सबसे बड़ी खुशखबरी ये है इसके अंदर बीमारी नहीं है जी। एक बार वैक्सीन कर दो, साल भर देखने की जरूरत नहीं है जी। सबसे बड़ी खुशखबरी इसका कोई खर्चा नहीं है, इसको कोई दाना नहीं लगता, इसको 1 रुपए का भी दाना नहीं लगता। चरा के लेके आ जाओ, 100 भेड़ रख लो, 200 रख लो, सिर्फ एक आदमी चाहिए चराने के लिए, चाहे पड़े हुए प्लॉट हो, जंगल हो, छप्पड़ हो, कहीं भी चरा सकते हैं, भेड़ कहीं भी चर लेती है। अपनी मर्जी भी कैसा ना जाइए फार्म पे रखनी है भाई जी, अगर किसी को फार्म पे रखनी है तो रख सकते हैं, लेकिन फिर भी 1 घंटा अगर फिराने को मिल जाए तो वो अलग बात है, क्योंकि वो तो खर्चे पे पलनी है फार्म के अंदर रख के, 10-20 रुपया खाएगी। मैं तो इसके लिए बता रहा हूँ जिसके पास ज्यादा जमीन है, कम वाले के लिए मशवरा नहीं दूंगा मैं, जो शहर में पालते हैं उनके लिए भेड़ सही नहीं है जी, क्योंकि भेड़ को जगह ज्यादा कैसा है थोड़ा वो लगती है और चरने को जगह लगती है। इससे ज्यादा मैं मशवरा यही दूंगा कि भैंस से पालने से अच्छा भेड़ पालो जी, क्योंकि इसमें कोई खतरा ही नहीं है। दूसरी बात, इसका टिबल चबल होता ही चला जाता है, साल भर के अंदर इंशाल्लाह टिबल चबल होएगा, और बाकी माशाल्लाह भाई बताएंगे इसके बारे में, फिर मैं ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। सरदार सुखपाल सिंह जी तुसीं दसो भी अपने भेड़ दा चलो कारोबार नाल कीता, बकरियां दा भी हैगा ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। किद्दां सोचिया, की गलबात है वीर जी? इस तरह की ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਆ,
मैं हुण मेरे को जिहड़े किसान भरा सलाह लैण वी आउंदे आ बकरी लैण वी आउंदे मैं इक्को गल पुछदे कि वीर जी कदों तक साडी कोई ग्रोथ दा मैं उहनां इक्को गल कहिंदा कि जे बकरी पालन भेड़ पालन करना ना ते तुहानूं थोड़ा सबर रखना पैणा पंजाबी च जरात रखनी पैणी जे तुसीं जरात रख ली तुसीं एक साल अपना टाइम पास कर गए ते अगले साल कमाई ही कमाई आ ठीक है इस तरह करके फिर साढ़े दो साल कंप्लीट होए सी ते नवा धंधा सी कढ़न डए सी किहड़ा धंधा सानूं सौखा आने वाले समय वास्ते किन्नू सौखी किहड़ी चीज़ जिहड़ी इहनां दे रिलेटड बकरी दे रिलेटड किहड़ी चीज़ है कि जिस तरह हुण साडे कई फार्मर होर भी आ उह मेरे ते प्रैशर करन डए पए सी कि सुखपाल जी साडी बकरी वधिया चल रही आ साडे बच्चे विकण डए साडे बकरे विकण डए लेकिन असीं कुछ होर भी नाल चाहुंदे कि थोड़ा होर हो जाए साडा कि डिफरेंट हो जाए डिफरेंट ते सौखा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਆ ਹਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਭੇਡ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਫੋਰ ਸੇਲ ਜਾਣੀ ਆ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਜਾਂ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੀਰੀ ਆ ਦੁੰਦੀ ਆ ਚਾਰ ਦੰਦ ਆ ਛੇ ਦੰਦ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਭੇਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਕੱਢੋ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਨ ਬੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਬੱਚੀ ਆ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਆ ਗਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ 'ਚ ਮੋਟੋਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਆ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ 100 ਪੇਡਰ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4-5 ਕਿੱਲੇ 6 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧਾ 1.25 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਗਲ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਤਿੰਨ ਜੀਰ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆ ਗਏ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆ ਗਏ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਫੋਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਆ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬੈਲਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਭੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹ 300 ਭੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ 300 ਭੇਡ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਭੇਡ ਆ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਵੇਚਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਸਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਸਾ ਹੈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਗੋ ਕੋ ਜੈਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਉਧਰ ਫਾਰਮ ਪੇ ਥਾ ਕੋਈ ਆਏ ਹੈ ਆਧਾ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਤੋ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਪੂਰਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹਮ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਤੇ ਹੈ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਪੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਵੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਤੇ ਹੈ कि भाई टीका लगा दिया वैक्सीन करनी है ये करना है लेकिन हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो थोड़ी हटके देंगे हमारी ट्रेनिंग ये रहेगी जो क्या बोलते थोड़ा छाव में आ जाओ तो मेरे हमारी जो ट्रेनिंग रहेगी सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग ये रहेगी जो वैक्सीन तो बतानी है हमने क्योंकि वो तो हमारे फार्म में माशाल्लाह 400-500 बकरियाँ हैं तो उसके अंदर हम वैक्सीन तो आपको सब सिखाएंगे ही कैसे वैक्सीन लगती है कौन सी वैक्सीन लगती है और इसके अंदर कितना नफ़ा है और कितना नुकसान है वो चीज़ भी सिखाएंगे दूसरी बात जैसे आज हमने शनिचर के दिन के ट्रेनिंग रखेंगे एक दिन ट्रेनिंग देंगे पूरा दिन अगले दिन फिर दूसरी ट्रेनिंग दी जाएगी उसके अंदर ये बताया जाएगा बकरी कैसे खरीदी जाती है और कैसी बेची जाती है जी। जो कि कोई भी फार्म वाला ये ट्रेनिंग नहीं देता है क्योंकि ये ट्रेनिंग एक व्यापारी ही दे सकता है जी। सही बात है तो उसमें ये बता दिया जाएगा हमारे को कि भाई ये बकरी इतने का माल है इतने की बिकनी चाहिए इतनी खरीदनी चाहिए वो चीज़ की भी हम ट्रेनिंग देंगे और पूरी वैक्सीन की ट्रेनिंग देंगे बायदा रहने का बंदोबस्त रहेगा खाने का बंदोबस्त हमारी तरफ रहेगा जो भी कोई कॉन्टैक्ट करेगा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा रहेगा और आपका रहेगा
गिल साहब का नहीं रहेगा क्योंकि वो बिजी ज़्यादा रहते हैं, इसके लिए फिर लोग शिकायत करेंगे भाई फ़ोन नहीं उठाए। तो मेरा नंबर रहेगा, जो दो नंबर मेरे हैं आप स्क्रीन शॉट पर डालेंगे ही, और अपना नंबर डालना आपने, उसके बाकायदा आपने पूरे आईडी प्रूफ देने हैं, और आईडी प्रूफ देने के बाद उसमें एंट्री करानी है, और उसके बाद हम बताएंगे कौन सी तारीख को ट्रेनिंग चालू है। फीस का की सोर्स है कि नहीं, फीस का कैसे, हम फोन पे ही बताएंगे जी किसके ऊपर फीस के जो चीज़ है, क्योंकि हमारे जो खर्चे होने हैं वो खर्चे भी होंगे तो फीस तो रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा भाई फ्री ट्रेनिंग देंगे, आज 50-60 आदमी 100 आदमी आने ही है, उनके खर्चे भी है, रहने के भी, खाने के भी, जो चीज़ जो खाएगा वो चीज़ मिलेगी, खाने का अलग ऑर्डर होएगा, सब चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह, वो मैं फ़ोन पे बता दूंगा। जो आदमी फ़ोन करके पूछेंगे आप भी बता देना और मैं भी बता दूंगा फीस के बारे में, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टाइम देंगे उनको, जैसे कि अगले महीने की ट्रेनिंग देंगे, एक 20 दिन का महीने का टाइम लेंगे हम लोग, उसके बाद में प्रॉपर बढ़िया ट्रेनिंग दी जाएगी, भेड़ के बारे में भी दी जाएगी, गाय भैंस के बारे में भी दी जाएगी, साथ साथ घोड़े के बारे में भी दी जाएगी, पिक बक के बारे में भी देंगे गिल साहब, सही बात है, जो चीज़ का उनको नॉलेज है वो भी देंगे, बकरी के बारे में भी दी जाएगी, हर चीज़ की ट्रेनिंग पूरी मिलेगी यहाँ पे। दूसरी गल ये आ, सॉरी मैं भाई साहब की गल रोकन लगा, ये ट्रेनिंग इस तरीके की आ कि जिवें कोई कितने भी मैं जा रहा है उत्थे मैनू पता कल्ली बकरी आ, मैं बकरी की ट्रेनिंग लै जा रहा कि उत्थे कल्ली बकरी आ, परमात्मा की कृपा दे नाल 8-7 प्रजाति दे जिहड़े जानवर आ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੇਡ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਵੇਖੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਣਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗਾਂ 2-4-5 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਣ ਡਿਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਜਾਨਵਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਭੇਡ ਮਿਲਦੀ, ਫਲਾਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਢੀਂਗੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਲਣ ਡਿਆ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਭੇਡ ਪਾਲਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਪਿੱਗ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਫਿਸ਼ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਡੇਟ ਆਪਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤੰਬਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਨੇ ਫੋਨ ਪੇ ਹੀ ਬਤਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ 15 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਕੇ ਲੀਏ 1000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਡਾਲਨੇ ਪੜੇਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਲਿਖਵਾ ਦੇਤੇ ਆਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਗਏ, ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ 4 ਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਹਮੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਉਨਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਂਗੇ, ਖਾਨੇ ਕਾ, ਠੰਡੇ ਕਾ, ਰਹਿਣੇ ਕਾ, ਚਾਏ ਕਾ, ਪਾਣੀ ਕਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੈਸੇ ਲੋਜ ਮੇ ਰਹਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੋਰ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੋ ਕੇ ਲੀਏ, ਜੰਮੂ ਵਾਲੋ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੋ ਕੇ ਲੀਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਨਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਕੇ ਜੈਸਾ ਤੋ ਖੈਰ ਹਮਾਰਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਮਾਲ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਰੇਟ ਮੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵੀ ਬਣਾਏਂਗੇ ਹਮ, ਛੋਟੀ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਸ ਮੇ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਕਾ ਮਾਲ ਆਏਗਾ, ਅੰਬਸਰੀ ਲੋਕ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੋਕ ਆਓ, ਜੰਮੂ ਸੇ ਆਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇ ਆਓ, ਉਨਕੋ ਰਹਿਣੇ ਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੀ ਮੰਡੀ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਨਕੋ ਮਾਲ ਚਾਹੀਏ, ਅਗਰ ਆਜ ਯੇ ਮੰਡੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਅਗਲੇ ਮੰਡੀ ਗਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਯੇ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਂਗੇ ਹਮ ਲੋਗ, ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਡੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਮਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਮ ਬਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਰੂਮ ਬਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਰਵੇ, ਅਗਲੀ ਐਰਕੀ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਦੀ ਲੈ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2-4-5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਪਤ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦਿੱਕਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠਗੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਠਗੇ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਠਗਾ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਅਬ ਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਭ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਛੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਕੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਫ
तो उसकी करी जाती जो गैर रहता, अपनों की तारीफ नहीं होती। माशाल्लाह बहुत अच्छे मिले हुए हैं। अगर किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, केरला से, तमिलनाडु से, जितनी दूर का आदमी है, अगर उसको हमारे पास से माल नहीं लेना तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। अगर उसको हमारी कोई हेल्प चाहिए, खरीदी के लिए हेल्प चाहिए, रखने के लिए हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए, तो रहने वास्ते भी जो चाहिए होगा तो रहने की हेल्प, माल रखने की हेल्प, हर चीज़ की हेल्प करेंगे हम लोग। माल लो या मत लो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि हम माल के लिए कर रहे हैं, सिर्फ हेल्प के लिए कर रहे हैं काम। ठीक है जी, उसके लिए हेल्प कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हेल्प करेंगे हम लोग। कोई भाई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, किसी को दो बकरी चाहिए, किसी को चार बकरी चाहिए, बहुत जल्द, क्योंकि अमृतसर से दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हर जगह गाड़ी जाती है यहाँ से अमृतसर से। माशाल्लाह बड़ा अमृतसर साहिब बड़ा स्टेशन है, तो यहाँ से जल्दी लोड होया करेगी गाड़ी, तो इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्दी बंदोबस्त करवाने वाला हूँ कि यहाँ से दो दो बकरी लोड हो के, यानी कि आउट ऑफ स्टेट जो है, बम्बई हो गए, दिल्ली हो गया, जैसे बना, जहाँ तक गाड़ी जाती है जिस स्टेट में भी, वो उन्होंने पता निकालना है कि अमृतसर साहिब से गाड़ी है या नहीं। अगर गाड़ी है तो कॉन्टैक्ट गिल साहब से कर सकते हैं, मेरे से कर सकते हैं, जो बकरी उनको पसंद आएगी वो वहाँ तक पहुँचा दी जाएगी उनके स्टेशन तक, उसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। लेकिन गाड़ी होना ज़रूरी है अमृतसर से, अगर अमृतसर से गाड़ी नहीं होगी उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जिस भाई को भी कॉन्टैक्ट करना है, मेरे से करो, गिल साहब से करो, आपसे करो, 10 बजे से पहले फ़ोन करना रात में, और सुबह को 10 बजे के बाद फ़ोन करना जी। क्योंकि उसके बाद में सोने का दिन भर के थके हुए रहते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि थके हुए रहते हैं लोग, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी फ़ोन करते हैं। और मंडी वाले दिन, जिस दिन मंडियाँ रहती है, मैं जंगल में रहूँगा, उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, हफ्ते में 1-2 दिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठाता जी। अखीर दे विच बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, चंगी जानकारी अते ट्रेनिंग दे लई तुहानू वधाइयां भी दिंदे आ कि आपां इत्थे रखी आ जी, वधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लो वीरो, तुसीं ट्रेनिंग लै सकदे होंगे अमृतसर, अपने गिल स्टड फार्म दे विच आ सकदे होंगे। ज़्यादा जानकारी लई तुहानू संपर्क नंबर आपां स्क्रीन ते दे रहे हां, संपर्क करो, ट्रेनिंग लो, अपना किता अगे शुरू करो। धन्यवाद।